धोनी की बेइज्जती करना पड़ा आरसीबी को भारी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब एमएस धोनी जैसा बंदा जब मैदान में हाथ मिलाने के लिए आया था, तब आरसीबी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो जश्न मनाने में इतने मशगूल हो गए कि उनको ये पता नहीं चला कि मैच जो खत्म हो चुका है। और इसी वजह से यहाँ पे धोनी थोड़े गुस्से में आपको दिखाई दिए होंगे, शायद आपको आपने वीडियो भी देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, तो आपको ये पता चला होगा कि एमएस धोनी कम से कम 55 से 60 सेकंड तक खड़े रहे थे, यानी अगर 65-70 सेकंड अगर आप खड़े रहें उसके बाद भी हाथ मिलाने नहीं आता है कोई खिलाड़ी, तो फिर ये आपके लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इसलिए एमएस धोनी का लास्ट मैच जो हम कह रहे हैं कि लास्ट मैच हो सकता है ये वाला, तो वो जो है वो डिसाइड फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे आखिरी मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट करी आरसीबी के खिलाड़ियों ने, मुझे लगता है कि वो धोनी के जो फैंस हैं या धोनी हैं वो काफ़ी नाराज दिखाई दिए, जो कि होने भी चाहिए थे। क्योंकि देखिए आप मुकाबला जीत गए वो बात अलग है, ठीक है चलिए जीत गए आपने जश्न मना लिया, लेकिन जश्न भी तो एक टाइम का होना चाहिए ना। आप ये नहीं कि लगातार आप एक घंटे तक मनाते रहेंगे, या फिर मुझे लगता है हालांकि यहाँ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे एमएस धोनी भी थोड़ा सा वेट कर सकते थे, ऐसा नहीं है एमएस धोनी वेट नहीं कर सकते थे मैच में, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने थोड़ा जाना अपने आप को समझा, 2 मिनट तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद में फिर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में वो चले गए, उसके बाद में जो खिलाड़ी थे सारे वो लाइन लगा के वो मिलते रहे, लेकिन एमएस धोनी जो है वो अब ड्रेसिंग रूम में चले गए। उसके बाद विराट कोहली यहाँ पर उनसे मिलने गए, उनसे मिलने पहुंचे उस मैच के बाद, तो ये दिखाता है कि धोनी के जो फैंस है वो गुस्सा हो गए थे, इसलिए यहाँ पे आरसीबी से बदला ले लिया उन्होंने, क्योंकि आरसीबी जो है एलिमिनेटर में बाहर हो चुकी है। और ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अब रहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आरसीबी इस वाले सीजन को भी हार गई है, तो अगले सीजन में कैसे आती है आरसीबी ये देखने वाली बात होगी। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।